नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप बाहुरिया। कैसे हो दोस्तों आप सभी। सो दोस्तों, अभी भी जो हरियाणा की 7 ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर इंटरनेट बैन कायम है, वहां पर आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, और साथ के साथ जो मोबाइल इंटरनेट है वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, और साथ के साथ जो SMS सर्विसेज है उस पर भी बैन है। तो वो कौन से 7 डिस्ट्रिक्ट हैं वो मैं आपको बता दूँ। ये है पानीपत, सोनीपत, इसके अलावा चरखी दादरी, झज्जर और रोहतक, जिंद और कैथल। ये 7 ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर अभी भी इंटरनेट का बैन कायम है। जी हाँ दोस्तों, और ये मुझे नहीं लगता कि 7 तारीख से पहले ये इंटरनेट का बैन है वो वहां से हटेगा। तो दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि 7 तारीख से पहले जो बैन है वो हटेगा, वो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि आप सभी जानते हो दोस्तों कि इस वक्त जो दिल्ली के बॉर्डर्स हैं, जैसे गाजीपुर हो गया या फिर सिंधु बॉर्डर हो गया या फिर टिकरी बॉर्डर हो गया, यहाँ पर सरकार ने किस तरीके की तैयारियाँ कर रखी हैं किसानों को रोकने के लिए, जो किसान आंदोलन है उसको ख़त्म करने के लिए या उनको रोकने के लिए। इन सरकार ने वहाँ पर कांटे वाले बैरिकेडिंग कर रखी है, कटीली बैरिकेडिंग कर रखी है, और सड़क पर कांटे की कीले वगैरह लगा दी गई हैं ताकि किसान अपने ट्रैक्टर्स वगैरह अपने वाहन आगे ना लेके आ पाए। और सरकार का ये कहना है कि ये उपद्रवियों के लिए है, जो हुड़दंग मचाते हैं, उपद्रवी हैं, उनके लिए है। तो ये तो अब मैं कह नहीं सकता कि सरकार क्या कह रही है कि ये उपद्रवियों के लिए या किसके लिए है, वो तो सरकार ही जाने। और उसके बाद दोस्तों, ये बैन किस लिए, अभी तक मैं जो बोल रहा था कि 7 तारीख तक क्यों है, वो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, देखिए किसान संगठनों ने 6 तारीख को दिल्ली समेत पूरे भारत में चक्का जाम की अनाउंसमेंट कर रखी है, और उसके चलते मुझे नहीं लगता है कि 7 तारीख से 6 तारीख से पहले तो वैसे भी इंटरनेट शुरू नहीं होगा जो मुझे लगता है, और उसके बाद भी शायद 1-2 दिन लग जाए, पहले हो जाए या बाद में हो जाए। दोस्तों, ये सारी चीज़ें निर्भर करती है सरकार के ऊपर, सरकार के ऊपर डिपेंड करती है कि वो इंटरनेट खोले या बंद करे, ये तो वही जाने। बाकी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाए हैं, ऐसा सरकार कह रही है। बाकी सरकार ही जाने कि यार ये क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, इंटरनेट बंद करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, आई डोंट नो। बट बात यही है यार सीधी कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, इसके अलावा आम आदमी बहुत परेशान है इंटरनेट बंद होने से। और इसके साथ साथ दोस्तों, जो ऑनलाइन काम करते हैं, जिनका ऑनलाइन काम धंधा है, वो तो है ही परेशान दोस्तों। सो दोस्तों, उम्मीद मैं यही करता हूँ कि जल्द से जल्द बाकी जो 7 डिस्ट्रिक्ट और हैं हरियाणा की, वहाँ इंटरनेट शुरू हो जाए। बाकी मुझे तो यही लग रहा है कि यार कि 7 तारीख से पहले मुश्किल ही होगा। ठीक है, आज की भी बोल रखी है, आज शाम को 5 बजे के बाद इंटरनेट शुरू करने के लिए बोल रखी है, लेकिन मुझे कोई खासी उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि डेली सरकार बोल रही है पिछले 4 या 5 दिनों से कि अब शुरू हो जाएगा इंटरनेट, आज शाम को 5 बजे होगा, बट नहीं होता है। फिर बोलती है आज शाम को 5 बजे होगा, फिर नहीं होता, तो बार बार यही चल रहा है। चलिए, उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द शुरू हो जाए। चलिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ यार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।